डरा दो मदद से लालच लालच लालच। हर सुबह भाई जो सुबह सुबह डेली यहाँ आ करके एक बार ऊपर से नीचे जाके आएगा, अगले दिन नहीं आएगा। हाँ हम तो गांव के आदमी हैं, डेली शाम में चल लेते हैं खेत कुदार में, इधर कुदार उधार चलाते हैं। आप लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं ना हम लोग। भाई तुम बम मत मारोगे समझे? नहीं नहीं मारेंगे। दागोगे मत, नहीं तो मेरा गर्दन फ्रैक्चर कर जाएगा। ऐसे ही गर्दन में दर्द था। ये देखिए भाई दो जो है दोनों बंदर क्या मौज कर रहा है यहाँ पर। देख रहे हो एक तो इस जगह बैठा हुआ है, कितना एक्टिव रहता है, मतलब इधर देखता उधर देखता, दूसरा यहाँ पर देखो, और शायद ऊपर ऊपर भी है, पेड़ वेड़ पर गिरा रहा है कुछ कुछ। हाँ वहाँ पर देखो। सो हे गाइस वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो ये भाई थर्ड एपिसोड है, यानी तीसरा कह सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा फर्स्ट वाला जो था अपना जू सफारी वाला था, वाइल्ड सफारी राजगीर कह लीजिए, सारे आपने एंजॉय लिए होंगे। तो अब वहां से ना हम लोग आ गए हैं इस जगह, ये अपना लोकेशन है शांति स्तूप का। ठीक तो जाते हैं, टिकट वाले में तो काफ़ी लंबा लाइन लगा हुआ। ओ तेरी के देख रहे हो भाई कितना लंबा है यार। पहले पुराना वाला चलता था रोपवे जो है इनका, बट अब जो है कार टाइप का कह सकते हैं, बड़ा सा साइज का है, इसमें ज़्यादा लोग भी बैठते हैं। वो देख रहे हो वो वाला, और पहले जो चलता था ना, पहले अपना चलता था पुराना वाला उस जगह, छोटा छोटा वाला जो है ना देखो ये, जिसमें एक ही आदमी बैठते थे, अब वाले में तो 6 आदमी शायद बैठते हैं। तो ये भाई टिकट लेने का लाइन लगा हुआ है, इतना अगर लंबा होगा तो भाई चले जाएंगे पैदल, सही बता रहे हैं पैदल ही चले जाएंगे, इतना लंबा यहाँ से वहाँ से घूमते घूमते। अच्छा एक मिनट एक मिनट, ये मतलब कि जाने वाले का टिकट लेने वाले का इधर लाइन है, तो लिया जा सकता है ना, वहाँ से अंदर साइड आप इन करोगे और टिकट यहाँ लो, वहाँ से ले करके फिर लाइन लोगो अपना यहाँ। खैर है तो काफ़ी लंबा लाइन लग, बट कोई दिक्कत नहीं है, काम हो जाएगा। एक मिनट पूछ लेते हैं अभी अपने हर्ष भाई और मुदस्सिर भाई जो है ना दोनों बाहर साइड है गाड़ी पार्किंग के पास, उनसे पूछते हैं कि भाई लाइन लंबा है बट टिकट काउंटर में नहीं। 2 बजे लीजिए भाई, टिकट काउंटर जो है बंद हो गया है, हो गया लफड़ा, अब 2 बजे खुलेगा। 12:46 12:45 से 2 बजे का टाइम रहता है, अब क्या किया जाए। चलिए भैया अब 2 बजे चालू होगा भाई। ये आ गए अपने हर्ष भाई लोग, चलिए चलिए। नहीं व्लॉग कर लिए नहीं, मेन बात है ना कि भीड़ ज्यादा नहीं है, ये भीड़ नहीं, ये तो तुरंत तुरंत खींच रहा है। हाँ। ठीक ना, वो गाड़ी आते जा रहा है खींचते जा रहा है। हाँ। लेकिन असल जो है 12:45 देखो भाई, अरे लड़ाई कर लिया लड़ाई कर लिया, लेकर के मुदस्सिर से भागा छीन कर, फिर आ रहा है फिर आ रहा है फिर आ रहा है। हम तो मोबाइल को जोर से पकड़े हुए हैं, कहीं ना ले करके भाग जाए। डरा दो मुदस्सिर लालच लालच लालच। अरे यार ये किधर है, अब देखिएगा देखिएगा देखिए देखिए देखे जा, है ही ना, गुस्सा आ गया इसको, मोबाइल छीन लगा मेरा, साइड से निकल जा भाई, वही मलाई है तेरा। ये तो अपने को नसीब है नहीं चेयर कार, तो अपना जो है यही नसीब है। यहाँ से मालूम है कितना ऊंचा जाना है, दिख तो नहीं रहा है यहाँ पर, आप देखो बोल तो लास्ट है भी नहीं, अभी और उसके भी ऊपर जाना होगा अपने को। टिकट विकट करना यही बात है, टाइम टेबल ये सारा चीज़ ना मालूम रहना चाहिए। पानी ले लो, ला भाई पानी दे दे। अब जो है शुरुआत में ही यहीं से सांस वास भाई फूलने लगा, अभी ज़्यादा ऊंचे आए भी नहीं, अभी तो बस यहीं चले। और यहाँ देखिए पूरा घना जंगल एकदम, घोरा कटोरा ना इसी साइड पड़ता है, अंदर अंदर रास्ता जाता है। और इधर जो है देख लीजिए यही रोप वे है अपना,
इसको बंद ही कर देना चाहिए था भाई। लास्ट में मजबूरी में बोलता कि चलो केबल कार से चलेंगे। हट झुकेगा नहीं साला। हर्ष भाई जो सुबह सुबह डेली यहाँ आ करके एक बार ऊपर से नीचे जाके आएगा, अगले दिन नहीं आएगा, नहीं डेली आएगा, उसका क्या सेहत मतलब कि सही रहेगा, फिट रहेगा, सेहत तो फिट रहेगा, कहीं हार्ट टूट कमजोर ना हो जाए ज्यादा। हो सकता है ज्यादा चढ़ाई पर देखते हैं गाड़ी का इंजन खराब हो जाता है हमेशा, ही खराब हो रहा है खुद का। देखो हर्ष भाई भाई थक गए हैं, और हम तो इतना थक गए हैं कि बोली में थक 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 थकान नजर आ रहा है। हर्ष भाई पेट फेंक दिया है, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। एक ही दिन देख लीजिए ना, एक ही दिन नहीं, यहीं आप आकर रह जाइए, एमजी यहाँ होगा, ज्वाइन कर लीजिए, देखना पड़ेगा। हाँ अभी ज्यादा आए कहाँ है, बस वहाँ से यहाँ आए, असल तो अभी बहुत कम चढ़े हैं, 10% अभी, 10% 10 गुना और है। मुदस्सिर है सही लौंडा, बोल रहा होगा कहाँ ला करके फंसा दिया है। तो भाई बीच में हम लोग स्टॉप ले लिए, थक गए हैं बिल्कुल। देखो यहाँ पर ये भाई लोग, और यहाँ पर हम पस हो गए हैं। सबसे ज़्यादा जो परेशानी है ना हर्ष भाई को हो रहा है। हम परेशानी नहीं हो रहा है, क्यों मसल पेन हो रहा है। काहे को मसल पेन हो रहा है, हम लोग थोड़ी डेली चढ़ते हैं। अरे कम से कम आप लोग सीढ़ी भी चढ़ते हैं, शादी शुदा आदमी नहीं है। अरे मेरे घर में सीढ़ी नहीं है जी, मेरा घर छप्पर वाला है। शादी शुदा आदमी है, दर्द समझो। तो भाई ये देखो ये कहाँ बैठा हुआ लड़का है, ये अपना जो है ना सेकंड स्टॉपेज है, फर्स्ट तो लिए थे। हर्ष भाई के चक्कर में जल्दी जल्दी स्टॉप लेना पड़ रहा है, तुरंत तुरंत रुकना पड़ रहा है, रुकने का पर्पस है, बहुत जल्दी थक जा रहे हैं। शहर के आदमी पहाड़ों पे जल्दी थकते हैं, शहर के आदमी है ना। हाँ हम तो गांव के आदमी है, डेली शाम में चल लेते हैं खेत कुदार में, इधर उधर कुदार उधार चलाते हैं। आप लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं ना हम लोग। भाई तुम बम मत मारोगे समझे, नहीं नहीं मारेंगे, दागोगे मत, नहीं तो मेरा गर्दन फ्रैक्चर कर जाएगा। ऐसे ही गर्दन में दर्द था। नहीं। तो मालूम है बीच में पहुंचे हैं, और अभी जो है टाइम हुआ है 1:23 मतलब वही 20 मिनट में करीब जो है थोड़ा सा कवर किए हैं, आधा से थोड़ा कम ही कवर किए होंगे, फिर चलते हैं ऊपर थोड़ी देर में। फाइनली भाई अपने हर्ष भाई का एंट्री होते हुए काफी देर के बाद, हम लोग तो बहुत देर से यहाँ इंतजार कर रहे हैं आपका। रुकिए 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 बैठिए, मालूम है हम लोग को रास्ते में ना रिटर्निंग टिकट मिला है, देखिए दो हम बोले कि यार एक नहीं भैया, बोले कि नहीं नहीं है दो ही था। रास्ता में हम सबसे पूछते हुए आ रहे हैं कि किसी और के पास है क्या, एक टिकट भैया एक टिकट भैया। खैर रिटर्न टाइम एक ले लेंगे, हो जाएगा काम, जल्दी लौट भी तो जाएंगे, है कि नहीं, टाइम भी बचेगा। तो भाई फाइनली जो है अब पहुंच चुके हैं वहां पर, देखिए आप रोपवे वाला जो एरिया है वो वहीं पर है, वहीं वहीं आकर के उतारता है। यहां पर एकदम ना भीड़ भड़का भरा हुआ है, पूरा मार्केट वार्केट सजा हुआ है, देखो। हाँ ये सारे लोग ना जाने वाले लोगों का लाइन है, मतलब ये लोग जाएंगे। खैर चलो दो टिकट तो मिल गया, खाना है ना, चलिए नहीं खाना तो चलिए भाई। और टाइम देखो 1:48 वही करीब 48 मिनट, अगर आप अच्छे से आते हो ना तो 25 से 30 मिनट में एकदम इजिली आ जाओगे। हम लोग तो भाई बीच में रुकते रुकाते मस्ती मजा करते हुए आए हैं, ये देखो। तो देखिए जी यही है यहाँ का एंट्री वाला गेट। अरे भाई यहाँ तो भीड़ लगाए हुए भाई, देख रहे हो भीड़। खाने पीने का कुछ नहीं है बच्चों, साइड से निकल लो, साइड से निकल लो, फोन नहीं छीनने देंगे, दोनों हाथ से पकड़ लिए आज इसको, आज फोन नहीं छीन पाएगा ये। ये देखिए ये स्कूल का
ग्रुप फोटो चल रहा है यहाँ पर। ये सारा चीज़ देख कर ना अपना हॉस्टल लाइफ याद आ रहा है बचपन का। बचपन में ऐसे ही बैठा करते थे, हालांकि ये तो बहुत ज़्यादा आबादी है, इतने लोग हम लोग आते नहीं थे, हॉस्टल में रहते थे ना, तो 20-15 का ग्रुप आता था। और ये शांति स्तूप अपना सामने एकदम, और बच्चे लोग बीच में बैठे हुए। और आपको यहाँ से थोड़ा जो है व्यू दिखाते हैं। इसका हाइट कितना होगा, एक मिनट गूगल करते हैं। अच्छा देखिए, ये जो है ना अपना शांति स्तूप, इसका हाइट है भाई 400 मीटर। कोई ख़ास हाइट है नहीं, 400 मीटर है, लेकिन हालत जो है ना वो काफ़ी बुरा होता है। देखिए यहाँ से आप व्यू, नीचे साइड देख रहे हो आप, यहाँ देखो मोबाइल ले जाने का। अरे भाई छोटा छोटा बच्चा देख रहे हो, क्या मस्त क्यूट लग रहा है। देखो नीचे साइड देख रहे हो बच्चा कितना है। अरे ये भाई कुछ नज़ारा है ऐसा, उस साइड जाते हो चारों तरफ आपको खेत दिखेगा। देखो ये देखो, चलो यार कुछ लोग यहाँ पर फोटो क्लिक करवाते हैं, कुछ लोग वहाँ पे कराते हैं। हम लोग तो बहुत बार करा चुके हैं बट कराएंगे नहीं। इस साइड का भी आप देख लीजिए, नीचे साइड में बिल्डिंग भाई 400 मीटर होगा हमको तो लग रहा है ना यार, 400 मीटर से ऊपर है। पता नहीं हम गूगल किए यार, अप्रोक्स मानता है ना वो तो नहीं। फिर भी देखिए थोड़ी कर रहा है, बिहार और राजगीर की रत्नागिरी पर्वत की चोटी पर बना है विश्व शांति स्तूप 400 मीटर ऐसे पहाड़ी के ऊपर में। मैंने तो वहाँ पर कभी हूँ, हर बार जो है ना बिल्डिंग छोटा छोटा आ रहा है। कितना विजिबल कर रहा है। अरे भाई इधर बंदर जियो सेरा, ऐसे कर दोगे तुम? हाँ कर लेंगे। जाओ ऐसे उतरने का रहता था तो अभी तक उतर। और पानी उधर साइड देखिए भाई, ये भाई कुछ है, हालांकि लिखा हुआ है कैमरा नॉट अलाउड। भाई अभी हम लोग पीछे साइड गए हुए थे, उसके अंदर क्या था हर्ष भाई, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। ये एक तरह से कहिए कि आपका अभी तो फिलहाल मंत्र का जाप हो रहा था, मतलब वो बौद्ध में। हाँ, मतलब है, लेकिन अंदर साइड वो सारा चीज क्या रखा हुआ था अपने को उतना ज्यादा हिस्ट्री। ये आपको मोनेस्ट्री है, मतलब जो जैसे हम लोग क्या है धर्म स्थल। हाँ अच्छा अच्छा, हर धर्म का जैसे अपना स्थल होता है उसी तरह से ये बौद्ध स्तूप है यहाँ पे आपका शांति स्तूप। और ये आपको एक तरह से मोनेस्ट्री है, और यहाँ पे अपना सुबह शाम जैसे हम लोगों के मंदिरों में पूजा पाठ होता है उस तरह से यहाँ भी होता है। और ये बहुत टाइमली होता है, टाइमली अपना होता है। और यहाँ पे वही अपना जैसे ये लोग अभी एक टाइप का भजन कीर्तन है या जाप वगैरह कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, तो वो हो रहा है अभी। बड़ा बड़ा सा देखा था, कितना बड़ा बड़ा था ये तबला, क्या था ढोलक था ना वो, सब जो आपको कही एक तरह से वो जापानीज इंस्ट्रूमेंट हम लोग कह सकते हैं। शेर का तो आपने सुना है कि वो राजा है, लेकिन भाई शेर का असल जो राजा है वो यहाँ पर देख रहे हो। बस फर्क यही है ना कि ओरिजिनल रहता ना सर, तब तो इसका भाई जरूरत नहीं होता वहां रहने का। ओरिजिनल सर रहता था मुझसे पगला, वो तो जिंदा नहीं रहता, जिंदा नहीं रहता, निकल जाता उसका ना। चलो इधर साइड से अब इसके अंदर हम लोग इन करते हैं और आपको थोड़ा दिखाते हैं। वैसे ये है ना वो ऐसा कोई मतलब खास हम लोगों के लिए नहीं है, लेकिन जिनका भाई धार्मिक स्थान है ना वो है, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये मायने रखता है। कृपया अपने जूते चप्पल यहाँ खोलिए, चलिए भाई खोलिए, चलिए लैंग्वेज बता मुदस्सिर। बचपन में जैसे पल्सर में साइड में लगता था निस्टिकल, वैसा चाइनीज टाइप का बोलता था, लव लिखा हुआ वही चीज़ रहता था वैसा। अच्छा इसके अंदर है जाने का कि नहीं है, सिर्फ गोलंबर जैसा पता नहीं, चलो देखते हैं, अगर होगा तब तो अलग बात है। वहाँ तो आप लोग देख लिए क्या था, अब भाई बच रहा अपना ये ऊपर मेन माना जाए ना, तो ऐसे एक तो थोड़ा सा जो है उस जगह बना हुआ है ऐसे ही। और एक चीज़ और था वहाँ गए नहीं, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा चीज़ ना
वहाँ लगता है। एक गए हो इस साइड, हाँ जो अंदर में गुफा उफा टाइप का थोड़ा में कैंडल वगैरह, हाँ सब जलाते रहता है, हाँ वो बहुत अच्छा जगह है। ये तो कुछ नहीं है भाई, बस गोल गोल अंबर है। कहाँ है भाई अंदर इंटर करने का मतलब? नहीं, नहीं ना है, इधर से उतर जाइए सीधा, बस सीधे उतर जाइए, यही है चारों तरफ, मतलब वो चीज़ है बौद्ध भगवान, बौद्ध भगवान क्या बुद्ध, बौद्ध गौतम बुद्ध, अच्छा गौतम बुद्ध हुए ये अपने। हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा व्लॉगिंग में ना, बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। तो ऊपर साइड तो चारों तरफ घूम घूम लिए, अब आ गए हैं वापस से यहाँ पर। हम चार्ज नहीं हो रहे, चाय पीने के लिए, हम तो चाय पी के चार्ज होने वाले हैं। नहीं तो भैया चाय डाल रहे हैं, तो भी बड़ा अच्छा लग रहा है जी, यहीं से लिए, एकदम यहीं से लिए, आपको तो सस्ता मिल गया होगा, पैसा नहीं दिए, पैसा नहीं दिए, लीजिए फ्री में मिल गया। हम कुछ टोपियाँ बोले यहीं से लिए हैं, इनका कलीग लोग है ना यहाँ जितना है, मगर कसम से कह रहे दोस्त लुक एकदम ना बॉब मार्लो वाला लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हम लोग सबसे हेवी लाइफ लगते हैं ना, डेंजेरियन करके एक नहीं है भाई, जो टिकट मिला था ना हम लोग को, वो अब किसी काम का है नहीं, क्योंकि अब फिर से वापस से देख लो कितना लंबा लाइन लगा हुआ है। यहाँ जो है एंट्री है, और ये देखते जाओ आप, सिर्फ देखते जाओ ना आप, देखो देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, यहाँ तक है, यानी यहाँ अपने को खड़े रहना पड़ेगा। तो भाई जब चढ़ने में इतना लंबा इंतज़ार किए नहीं, तो उतरने में क्या करना, उतर जाएंगे हम लोग नॉर्मली ऐसे ही जा करके, कोई बड़ा इशू है नहीं। पुराना वाला जो था ना वो यही वाला था, ये देखो ये सिस्टम हुआ करता था ऐसा टाइप का, और नया वाला अब जो है वहाँ साइड है उसका सेटअप सारा। और ये देखिए ये जा रहा ना ऐसे आया, और ये धीरे धीरे वहीं मतलब ऐसे ऐसे राउंड टाइप का बना हुआ है, गोल घूम के फिर से वापस वहीं आ जाता है। तो चलिए वापस से सीढ़ी से चलते हैं, डायरेक्ट नीचे पहुंचते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं, क्योंकि ऊपर चढ़ने में तो भाई परेशानी हुआ। वैसे नीचे मालूम है कितना देर में उतर जाएंगे, देखिए बताते हैं आपको टाइम, और फिर नीचे जा करके दिखाएंगे। ये अपना टाइम जो है 2:41 हुआ है ना। चलिए डायरेक्ट फटाक से नीचे पहुंचते हैं बाइक स्टैंड के पास, और आपको बताते हैं टाइम। तो चलो भाई फाइनली जो है 400 मीटर से डायरेक्ट 0 मीटर पर आ चुके हैं, उतनी से ऊंचाई से, हाँ ऊंचाई से 400 मीटर के, तो जाती हो गया। नहीं ऊपर ऊपर साइड हम बताए थे कि 400 मीटर ऊंचा है, हाँ और 3:06 हुआ है। तो 41 में निकले थे भाई, करीब ना 20 मिनट लगा, बीच में थोड़ा देर के लिए रुके भी थे। तो अब अपना बाइक वाइक जो है वो यहीं पर है पार्क्ड, अब यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं कहाँ जाना है। ये वाला जो एपिसोड है ना वो अपना यहीं होगा एंड, अब इसमें कुछ वैसा खास चीज़ दिखाने को है नहीं। तो ये बाइक निकाल ले, निकलेगा, हटा रहे हैं भाई, एक मिनट। हर्ष भाई आप वाला बाइक इधर लगा हुआ है, अरे यार निकल जाएगा, निकाल लो, लड़का एक्सपर्ट है। चार्ज हो गया आपका? तो चलिए भाई मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, अगले वीडियो में, यानी अगले वीडियो तक भाई केयर करें, अच्छे से रहें, बाय।